कोई त्योहार हो, बेटा बेटी की शादी हो, कुछ भी हो, तो उस क्षण में जब आदमी जीता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये समय जाने न पाए, ये समय रुक जाए हमारे साथ, हमारे साथ ही रुक जाए, ऐसा हम लोगों को महसूस होता है। इसलिए जीवन में उत्सव हमारे उत्साह को बढ़ाता है। जीवन में उत्सव जरूर मनाना चाहिए। और आज हम लोग सब कुछ करते हैं, उत्सव ही नहीं मनाना चाहते। आज हमारे यहां न होली मनाई जाती है, न दिवाली मनाई जाती है, कुछ मनाया जाता है, कुछ नहीं मनाया जाता है। और ना तो आपको ये क्या कहते हैं, एक तो त्योहार आता है ठंडी में, खिचड़ी लड़ुआ वाला त्योहार, वो भी नहीं मनाया जाता। त्योहार चले नहीं गए, त्योहार ऐसा नहीं कि कोई त्योहार समाप्त हो गया, सब त्योहार है हमारे पास, होली भी है, दीपावली भी है, खिचड़ी भी है, रक्षाबंधन भी है, नवरात्रि भी है, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन शायद उस त्योहार में हम नहीं है, अंतर यही है, त्योहार तो है लेकिन हम नहीं है। जैसे आज बारात तो है लेकिन बारात में बाराती नहीं है, बारात तो है ही, विवाह तो हो ही रहा है बच्चों का, लेकिन बारात में बाराती देखे 12 बजे के बाद किसी लड़की वाले के घर चले जाना, देखना कि वो दोना पत्तल और गिलास दिखाई देगा, ऐसा लगता है कि जैसे आंधी तूफान आया हो, कहीं से उड़ करके आ गया। तो सब कुछ है हमारे बीच में, बस उसमें हम नहीं है। जैसे आजकल घर है लेकिन घर में लोग नहीं है। और कितना आश्चर्य होता है, एक एक बीघा का घर छोड़ करके लोग, एक एक बीघा का घर छोड़ करके लोग और शहरों में जाकर के छोटी छोटी गुफाओं में रहते हैं, जिसको बोला जाता है 1 BHK और 2 BHK। एक एक बीघा में घर में गांव में जगह है रहने के लिए है, लेकिन आदमी वहां नहीं रहता। घर है लेकिन घर में रहने वाले लोग नहीं है। वैसे ही हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन उसमें बस हम नहीं है। बस मकर संक्रांति आता है, बोले हाँ आज मकर संक्रांति है, चलो घर में से देवी बोली कैसा है आज मकर संक्रांति, थोड़ा बाजार से कुछ बच्चों के लिए लेते आने। अब बाजार से गए ऑफिस, ऑफिस से लौटने लगे तो 1 किलो लड़ुआ, 1 किलो लाई का, 1 किलो चूड़ा, यही सब अपना गठिया है चाहिए। एक दिन खाए खत्म, क्यों एक दिन? आप मकर संक्रांति के दूसरे तीसरे दिन किसी के घर चले जाइए तो आपको लड़ुआ खाने को नहीं मिलेगा। मिलता है क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और नहीं तो मकर संक्रांति के 1 महीना बाद तक अगर कोई रिश्तेदार आए, नातेदार आए, तो लड़ुआ से ही पानी पिलाते थे। सही बात है, 1 महीना तक चलता था। लोग त्योहार में जीते थे, त्योहार मनाते थे, लेकिन त्योहार ही व्यक्ति छोड़ दिया। और देखना, जब त्योहार हम छोड़ दिए तो हम अपने जीवन को क्या पकड़ पाए हैं क्या? हमने त्योहार नहीं छोड़ा, हमने अपने जीवन को छोड़ दिया, हम अपने संस्कार को छोड़ दिए, हम अपने परिवार को छोड़ दिए। आप ये मत सोचना कि किसी एक चीज को छोड़ने से हमारा काम बन जाएगा। एक चीज अगर आपने छोड़ दिया तो उसके पीछे 10 चीजें अपने आप छूट जाती हैं, अपने आप छूट जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताएं, हमारे समाज में नियम हो गया क्या, हम दो और हमारे दो, हम दो और हमारे दो नियम चला। पहले हम दो लेकिन हमारे 5 और 10 चलता था,
लेकिन धीरे धीरे क्या बात हुई पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये करके समय बदला, हम दो और हमारे दो, और इससे भी लोग और नीचे आ गए, बोले हम दो लेकिन हमारा एक ही, हम दो हमारा एक ही बच्चा होना चाहिए, और उसमें से कुछ और माइनस सब लोग आ गए कि हम दो हमारे को नहीं, हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे, इस परिवेश में आ गए। अब ध्यान देना जो हम कहना चाहते थे, अगर आपने हम दो और हमारे एक की अगर हम बात करते हैं, अगर आपको बेटा हो गया और आपको बेटी नहीं हुई, आपके घर में अगर बेटी नहीं है, केवल आपने एक चीज को छोड़ा ना कि हमारे घर में बेटी नहीं है, बेटी न होने के कारण बुआ खत्म, मौसी खत्म, दीदी खत्म, जीजाजी खत्म हो गए, ये सारे रिश्ते खत्म हो गए कि नहीं, केवल एक लड़की के ना होने से इतने रिश्ते खत्म हो गए। इतने रिश्ते खत्म, हम तो इतना ही बोले, और भी रिश्ते जो लड़कियों से जुड़े हुए जितने रिश्ते हैं सब, और एक ठो तो हम नाम ही लिए हो, का उसको बोलते हैं साढ़ू और सड़ुआई, बाप रे बहुत ही तगड़ा रिश्ता है, खतरनाक, हाँ यहू बहुत खतरनाक रिश्ता है, यहू चला गया फिर ये भी अब नहीं देखने को मिलेगा। और काश आपके घर में लड़की हो गई, लड़का नहीं हुआ, तो मामा खत्म, मामी खत्म, भाई खत्म, भौजाई खत्म, मम्मा खत्म, मामी खत्म, जितने लड़के से जितने रिश्तेदार आते हैं वो सब खत्म हो गए। तो ये कभी मत सोचना कि एक चीज को हमने छोड़ दिया तो उसके पीछे हम और को पकड़ कर, एक को छोड़ने से ऑटोमेटिक 10 चीजें अपने आप छूट जाती है, अपने आप वहां से खत्म हो जाती है। वैसे ही आप त्योहारों को छोड़ रहे हैं, त्योहार अपने परिवार के साथ नहीं मनाना चाहते हैं। दीपावली आई तो दीपावली पे पहले लोग मिठाइयां चढ़ाते थे, पूरे गांव में बांटते थे, एक दूसरे के घर से प्रसाद आता था और जाता था। अब आप लोग क्या आता था जाता था हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा नियम है कि होली दीपावली के दिन प्रसाद लोगों के घर से आता था और जाता था, आदान प्रदान होता था, वो प्रसाद आता जाता नहीं था, वो आपस का स्नेह आता जाता था, आपस का प्रेम आता जाता था, वो भी खत्म हो गया। बस अगर गाड़ी है, साइकिल है, तो बस उही को माला पहनाए के बस, अगर बत्ती जलाए के बस, हमार तो पूजा हो गया काम, बस पूजा किए, लडुआ बांट के खत्म। दीपावली नहीं मनाना चाहते लोग, होली नहीं मनाना चाहते, किसी को कायदे से रंग लगा तो मर्डर हो जाएगा, किसी को लगा दो कायदे से रंग तो मर्डर हो जाएगा, लेकिन हमारे ब्रज में अभी चल रही है धुलंडी, हमारे ब्रज में तो पूछो मत, सरकार ऐसी होली होती है ना कि देश विदेश से लोग होली देखने के लिए आते हैं, विश्व प्रसिद्ध होली होती है हमारे ब्रज की, लड्डू मार होली, लट्ठ मार होली देखे ही नहीं होंगे आप। और वैसी अगर होली यहां पे हो जाए तो मैं सच बता रहा हूं कि दो चार लोग सिलट जाएंगे, होगा ही नहीं, कोई किसी को लगाने ही नहीं देता, कोनो नई भौजाई आई है, देवर बेचारा सोचा चलो भौजी आई है लगा दे, तो भैया पहले दौर दरवाजे खड़ा, देखा भाई तबीयत खराब है हमारे मेहरारू का, रंग मत लगा, मेहरारू बेचारी कुछ नहीं बोल रही, भौजाई कुछ नहीं बोल रही, वो सोच रही है कि हम अब होली है तो देवर के साथ खेल ही लेते हैं, लेकिन भैया ही पहले रोड़ा पड़ के खड़े हैं,
अब बहाना इतना अच्छा मारते हैं ये लोग, कहां से सीखे हैं कमलेश जी? आप भी ऐसे करते हैं? हाँ, सबका एक ही नियम है, वो पहले से ही, एक दिन पहले से ही घर में सबको बोलने लगेंगे, यार मेहरारू की तबीयत खराब बा, जो ने कल बोली था लोगों के आश्चर्य न लगे, तबीयत खराब है, लोग खेल रहे हैं। फिर दीपावली का क्या मतलब है? पहले लोग एक अपने आपस के बैर को मिटा करके त्योहार आता था तो एक दूसरे को गले लगाते, एक दूसरे के साथ मिलकर उठते बैठते थे, बात करते थे। आज तो रंजिश की रंजिश ही रह गई, त्योहार आए और जाए, त्योहार का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। त्योहार क्यों आए? पैसा खर्च करवाने के लिए नहीं। त्योहार आखिर हमारे हिंदू परंपरा में अगर देखा जाए तो हर महीने एक त्योहार, हर महीने। देखो जीवन में एक लक्ष्य होता है, जैसे आप लक्ष्य का मतलब आप, हम आपको ऐसे बताएं, यदि आपने अपने बेटे की शादी का डेट रख लिया तो आपका लक्ष्य हो गया कि दो महीने के बाद बेटे की शादी है, तो वो दो महीने पता चलता है क्या? नहीं पता चलता। काम में ये करना है वो करना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, या दो महीने कैसे बीत जाता पता नहीं चलता। तो त्योहार इसीलिए आया, जैसे मान लो अभी होली आ रही है, होली 10 दिन, 10 दिन हम कह रहे एक महीना पहले से, जब होली लगता है, जब फागुन लग जाता है, हम लोग जब थे गांव में जब रहते थे आज 15 साल पहले की बात, तो जैसे ही फागुन लगा कोनो रिश्तेदार आते थे तो बिना नहाए नहीं जाते थे, रंग पड़ना शुरू हो जाता था, लोग मोटरसाइकिल से जाते, साइकिल पे जाते तो रंगा करके कपड़ा जाते, कोई ना कोई उनको रंग डाल देता। आपने देखा होली आने वाली है, 25 तारीख होली है, आज कितना तारीख हो गया? 20 तारीख हो गया, 19, केवल 5 दिन बचा, 4 दिन। आपने किसी के ऊपर रंग देखा? ईमानदारी से बताना, किसी के ऊपर देखे आप? नहीं देखे। होली के एक दिन पहले तक आप रंग किसी के ऊपर नहीं देखेंगे, किसी के ऊपर नहीं देखेंगे। उत्साह होता था, 15 दिन पहले से उस त्योहार की तैयारी होती थी और उस त्योहार का रंग 15 दिन बाद तक उतरता था, तो ये जीवन का उत्साह था। ये टाइम ऑफ पीरियड जो था वो बहुत उत्साह में व्यतीत हो जाता था, व्यक्ति का जीवन बहुत आसान हो जाता था। हर महीने त्योहार। अब जैसे दिवाली ले लो, दिवाली आनी होती थी तो 15 दिन पहले से झाड़ फूक शुरू हो जाती थी घरों पर, लोगों को लग जाता था कि हां अब त्योहार आ गया है, का दीपावली अब आ गई है। आज दीपावली के दिन भी नहीं लगता कि आज दीपावली है, दीपावली के दिन भी नहीं लगता दीपावली। अब बताओ, आदमी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, माइग्रेन नहीं होगा, जहर नहीं खाएगा, फांसी नहीं लगाएगा, तो क्या करेगा? क्या करेगा? हमारे सबसे बड़े दुखों का यही कारण है। क्या कारण है? उत्साह नहीं हमारे जीवन में, क्योंकि हम उत्सव मनाना छोड़ दिए। प्रत्येक त्योहार को बड़ी श्रद्धा और बड़ी निष्ठा के साथ अपने परिवार के साथ मिलकर के मनाओ, अपने परिवार के साथ मिलकर के। बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, पहले कोई आदमी त्योहार मनाता था तो आस पड़ोस को बुला करके खिलाता था, खाता था, हंसता था, बोलता था। आज तो बर्थडे मनाना है, मैरिज एनिवर्सरी मनाना है तो पत्नी 2 दिन पहले से पूछ रही, बताओ इस बार कौने रेस्टोरेंट में चलबो, कौने होटल में चलबो। होटल में जाके 10,000 बिल दे करके और पानी वाली चाय पी करके और पपड़ी रोटी खा करके मुस्कुराते हुए निकलेंगे, ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत बड़ा ये अब जग करके आ रहे हैं।
ऐसा लगता है। और वही 10,000 जो बिल दे करके, और मैं विश्वास से कह रहा हूं, जो 10,000 बिल दे करके आप रेस्टोरेंट होटल में आए हो, उसी 10,000 में आप घर में खाना बनवाओ और अपने भाइयों को बुला करके, पड़ोसियों को बुला करके खिलाओ, उससे ज्यादा आनंद नहीं मिलेगा। तो हमसे कह रहे हैं उस 10,000 को अपने भाइयों में कभी खर्च करके देखो, नहीं खर्च करते, पड़ोसियों को नहीं खिलाते, पड़ोसियों को तो ब्याह शादी में भी छांट देते हैं। एक तो बेटवा की शादी करी तो बोली उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो, सबको छोड़ ही दोगे तो करोगे किसके साथ, कहां जाओगे? इसलिए कहने का मेरा मतलब यही है कि आप उत्सव से बचिए मत, अपने परिवार के साथ पूरे उत्साह से जैसे त्योहार मनाया जाता है वैसे त्योहार मनाइए, त्योहार मनाइए। उत्सव हमारे जीवन के उत्साह को बढ़ाता है और जीने की कला देता है, जीने की कला देता है। आप जानते हैं अकेले खाना, और लोगों के साथ मिलकर के खाना, लोगों के साथ मिलकर के खाना ये आपकी कला है। आपने वो देखा होगा कहीं तेरहिया भंडारा में आप जाते होंगे तो क्या उसको बोलते हैं जिससे उसमें कूचते हैं सब्जियां को, नहीं कौचा नहीं बोलते, अरे राठा, वो जो राठवा का लेकर के कूचते हैं। इतना बड़ा कराहा में इतना तेल और मिर्चा अदरक डाल करके और पूरा सब्जियां ऐसे भर देते हैं और भर के लोग केवल एक बांस से उसको कूच करके रखते हैं, कूच करके ला करके बना करके दे देते हैं। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। और घर में श्रीमती जी धो के खूब छनन मनन करके तेल मसाला डाल करके बढ़िया से बनाती हैं, तब वो आदमी कहता है पता नहीं कैसा बनाई है, स्वाद ही नहीं आ रहा है। अकेले खाने का स्वाद नहीं है, बनाने में दोष नहीं हुआ, खाने में दोष हुआ जो हम अकेले खाए। आप 10 लोगों के बीच में बैठ करके खाओ, 10 लोगों के साथ रहो, आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। इसलिए अलग होने का प्रयास मत करो, समाज से परिवार से अलग मत हो, अपने समाज और परिवार को लेकर के चलो, साथ में रह के जो आनंद है वो अलग में कोई आनंद नहीं है। दुखों का पहाड़ टूट जाता है सर, दुखों का पहाड़ टूट जाता है।